हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंस ऑनलाइन क्लासेस में। और आपके सामने बहुत ही बड़ी कुछ खबरें निकल के आ रही हैं कि DPI के द्वारा जो अतिथि शिक्षकों का जो 2022 और 23 में रखने का आदेश है वह आ चुका है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आदेश हैं ये आज की दिनांक 13 जुलाई 2022 को निकला हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा। इसकी प्रति है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी और समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के जो संकुल प्राचार्य हैं। ये आदेश निकला हुआ है, इसका विषय रखा गया है शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। यानी कि जो लंबे समय से अतिथि शिक्षक इंतज़ार कर रहे थे कि कब उन्हें ज्वाइनिंग का जो मतलब आदेश आए, तो वह चुका है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्य शासन के संदर्भित आदेश के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में रिक्त पदों के विरुद्ध SMDC और SNC द्वारा तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की प्रक्रिया की जाती है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के लिए निम्नानुसार कार्यवाही करें। यानी कि 2022 और 23 में जो अतिथि शिक्षक रखे जाने हैं वो निम्नलिखित नियमों के आधार पर रखे जाएंगे। अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती हैं। 1.1 दे रखा है, नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति के कारण। 1.2 दे रखा है, नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण। 3 दे रखा है, शैक्षणिक सत्र 22-23 से विद्यालयों की रिक्ति को संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। उसके पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी के ऑनलाइन अनुमोदन के उपरांत रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक के पोर्टल पर प्रदर्शित। और दे रखा है, नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति दर्ज करने हेतु प्रक्रिया। एजुकेशन पोर्टल के अनुसार रिक्ति जो कि स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत नियमित शिक्षक की संख्या को घटाने पर सीमा के अंदर अतिथि शिक्षक की रिक्ति दर्ज की जा सकेगी। अगला पॉइंट दे रखा है 1.5 कि निम्न नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश या प्रशिक्षण अगर नियमित शिक्षक लेते हैं तो उनके जगह पे उनके स्थान पर भी अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। अगला है 1.6, अपडेशन में दर्ज की जा रही रिक्तियों के विरुद्ध यह भी अंकित किया जाए रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल विद्यालय में उपलब्ध है अथवा नहीं। अगला पॉइंट दे रखा है 1.7 कि रिक्तियों को दर्ज अनुमोदित करते समय अध्यापन व्यवस्था से संबंधित संचालनालय के निर्देश क्रमांक /22 दिनांक 2022 को ध्यान में रखा जाए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से ही उपलब्ध हैं उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण कैसे किया जाना है। तो 2.1 देखते हैं, विद्यालय जिनमें रिक्ति वाले पद एवं विषय का पूर्व पैनल हैं उपलब्ध हैं उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश निकाला गया था 11 अक्टूबर 2018 को, उसके अनुसार ये जो प्रक्रिया है अपनाई जाए। 2.2 कंडिका 2.1 में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। इसका मतलब ये है कि 2021-22 में जिन अतिथि शिक्षकों ने जिन विद्यालयों में कार्य किया है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्ण बात यहाँ पे ये निकल के आती है 2.3 में, जैसे कि दे रखा है कि जिन अतिथि शिक्षकों का जो गत वर्ष का परीक्षा परिणाम है 30% से कम रहा उन अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाए। और जिन विद्यालयों में पैनल पहले से उपलब्ध नहीं है उनका जो है वो अतिथि शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे और उनके अनुसार उनका पैनल बनाया जाएगा। यहाँ पे पूरी समय सारणी दे रखी है कि रिक्तियों का जो अपडेशन है वो 15 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद अतिथि शिक्षकों का जो आमंत्रण है जिन
जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध हैं एवं जहां पे पद रिक्त हैं वहां पे एसएमडीसी की जो एसएमसी की जो बैठक होगी वो 20 जुलाई को होगी और निर्देशों के अनुसार 21 जुलाई से अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन अतिथि शिक्षकों का मतलब जैसे पैनल उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पे प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी, अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का जो प्रदर्शन है वो 20 जुलाई को हो जाएगा और विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त कब करेंगे वो 21 से 23 जुलाई तक, एसएमडीसी की जो बैठक होगी वो 25 जुलाई को होगी और अतिथि शिक्षक को आमंत्रित कब किया जाएगा, 26 जुलाई 2022 से अतिथि शिक्षकों को विद्यालयों में आमंत्रित किया जा सकेगा। इसके बाद सीएम राइज स्कूलों के लिए भी कुछ निर्देश हैं। सीएम राइज विद्यालयों में 20 विषय शिक्षकों के रिक्त पद हेतु उक्त प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए। अगला पॉइंट दे रखा है, विद्यालयों में प्रयोगशाला, खेलकूद तथा अन्य सह अकादमिक पदों के लिए अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के लिए निर्देश जो हैं उसके लिए पृथक से दिए जाएंगे। अगला दे रखा है, अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए आवेदक का जीएफएमएस पोर्टल से पंजीकृत जानकारी सत्यापित है, अर्थात उसका स्कोर कार्ड बना हुआ है तथा स्कोर कार्ड में उस विषय के पैनल में स्कोर प्रदर्शित हो रहा है। संस्था प्रमुख जीएफएमएस पोर्टल में आवेदक का स्कोर देखें और उसके अनुसार ही अतिथियों का पैनल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।